द इनविजिबल मैन चैप्टर 12 हिंदी समरी। जब अंदर सारी जांच पड़ताल चल रही थी और मिस्टर मार्वल अंदर गए हुए थे, तभी बाहर मिस्टर टेडी हेनफ्री और मिस्टर हॉल को वहां से कुछ अजीब सी आवाज़ आती सुनाई दी। वे दोनों भाग कर कमरे के पास गए और पूछा, क्या आप दोनों ठीक तो हैं? और अंदर से आवाज़ आई, उन्हें परेशान ना करें और अपना काम करने दें, सब बिल्कुल अजीब लग रहा था। तब मिसेज हॉल अपने पति को बोल रही थी कि इतने व्यस्त दिन में बेकार ही जांच बैठाकर आपने सारा समय ही बेकार कर दिया। पर मिस्टर हॉल उस आवाज़ के बारे में सोचकर बड़े परेशान हो रहे थे, पर वह सोचते हैं शायद वे बहुत व्यस्त होंगे। पर तभी मिस्टर हक्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगे और पूरी भीड़ मिस्टर मार्वल का पीछा करने लगी। सब यही सोच रहे थे कि मिस्टर मार्वल ही अदृश्य आदमी था जो अब दिखने लगा था। पर तभी अदृश्य आदमी ने सब पर हमला कर दिया। शुरू में वह मिस्टर मार्वल को भागने में मदद कर रहा था, परंतु बाद में उसे और अधिक गुस्सा आ गया और उसने तोड़ फोड़, पीट पाट सब कुछ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आइपिंग गांव बर्बाद हो गया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड